अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू स्मास वर्ल्ड होपफुली आप ख़ैरियत से होंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी दावत रूटीन बहुत इजी और क्विक ये मैंने दावत रेडी की थी मेरे पास बहुत कम टाइम था मुझे एक से दो घंटे पहले पता चला था कि मेहमान आने वाले हैं जिसके लिए मैंने घर में ये दावत तैयार की थी तो सबसे पहले अमी ने जितने भी दावत वाले बर्तन होते हैं वो निकाल के वॉश करके रख दिए थे आपको पता है कराची में कितनी डस्ट मट्टी होती है तो कैबिनेट में भी बर्तन इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं जब तक आप उनको इस्तेमाल करने से पहले धोते नहीं हैं तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं उनको लाजमी धोया जाता है इस्तेमाल से पहले आज तो हमारे घर में इतनी बड़ी दावत नहीं थी दो ही लोग आने थे सिर्फ लेकिन फिर भी पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा चले एक घंटा है उसमें मैं घर में ही कुछ ना कुछ रेडी कर लेती हूँ इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने तैयार नहीं की थी अब बस सिंपल से कुछ मेन्यू था वो आप सब के साथ अभी मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत क्विक और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ मैंने ट्राई की थी ताकि टाइम को देखते हुए मुझे जल्दी काम भी करना था और मुझे गेस को देखते हुए भी काम करना था तो जी अभी मैं यहाँ पर वॉश कर रही थी चिकन को चिकन को मैं तकरीबन पाँच से छः पानियों से वॉश करती हूँ फिर उसके बाद मैं नमक लगा कर रख देती हूँ ताकि जितना भी चिकन में ब्लड होता है ना वो निकल जाए नमक लगाने से चिकन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है ना मैं जब भी किसी के लिए दावत रेडी करती हूँ तो सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ उसमें मैं जो भी मीठा बनाना होता है वो पहले बना कर रख देती हूँ ताकि मीठा अच्छे से ठंडा हो जब मेहमानों को सर्व किया जाए और मीठा ठंडा ना हो तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पर अभी मैं बना रही थी जेली ग्रीन और रेड जेली मैंने बनाकर पहले ही फ्रिज में रख दी थी, थी ताकि अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पर जेली बनाते हुए मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ था कि ग्रीन वाली जेली थी वो पहले से घर में मौजूद थी और जो रेड वाली थी वो मैंने उसी वक्त मंगवाई थी दोनों कलर जेली में हों तो बड़े अच्छे लगते हैं ना तो मैंने कहा कि रेड वाली जेली तो बिल्कुल नहीं हुई है अभी फ़्रेश मंगवाई है तो मैंने उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी बस उसको मैंने गर्म पानी में डाला और थोड़ा सा मिक्स कर दिया ज़्यादा मैंने उसको मिक्स ही नहीं किया ना और जो ग्रीन जेली थी ना वो मैं समझ रही थी कि ये पुरानी है घर में पहले से पड़ी हुई तो शायद इसके ना बनने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स ना आए मतलब अच्छे से थिक नहीं होगी मुझे ये लग रहा था आ, लेकिन जब ये बनकर फाइनल रेडी हुई थी तो ग्रीन वाली बहुत अच्छी बनी थी उसकी बनस्पत जो रेड वाली है ना मैंने उस पर इतनी तोह नहीं दी थी तो वो इतनी अच्छी नहीं बनी रेड वाली में मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैं जल्दी में थी और अफरा तफरी के काम फिर इसी तरह के होते हैं आ, मैंने रेड जेली को अच्छे से मिक्स नहीं किया मतलब उसके जितने भी क्रिस्टल्स थे वो अभी नीचे थे जब लास्ट में मैंने चेक किया था तो वो इतनी अच्छे से थिक नहीं हुई थी लेकिन ग्रीन वाली जो जेली है ना जिस पर मुझे भरोसा नहीं था तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सेट हुई थी जेली बनाते हुए मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारी अम्मी जो हैं वो जो फ्रिज में आइस क्यूब होते हैं उसमें जेली बनाती थी और वो इतने अच्छे आइस क्यूब की शेप में जेली बनती थी कि हमें बहुत ही अच्छी लगती थी ना खाने में जब आप छोटे होते हैं उस वक्त आपको जेली और भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे तो अभी तक ये जो रेड फ्लेवर जेली वाला है मेरा बहुत फेवरेट है आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वाली जो दावत मैंने आज रेडी की थी इसमें तीन से चार चीज़ें बनाई थी वो मैंने इतनी जल्दी में बनाई थी मैंने आज तक इतनी अफरा तफरी में ना कोई भी दावत नहीं बनाई मतलब बहुत कम टाइम है मुझे ये सब कुछ रेडी करना था जली बनाकर मैं फ्रिज में रख चुकी थी और अब मैं यहाँ पर आई थी कस्टर्ड बनाने के लिए जब तक कस्टर्ड बनेगा तो जेली भी फ्रीजर में रख दी थी थोड़ी सी सेट हो जाएगी और फिर मैं इसको गार्निश कर लूँगी यहाँ पर मैंने वन के जी दूध लिया था और उसमें तीन चार इलायचियाँ डाल दी थी और हंसब ज़रूरत चीनी ऐड कर दी थी मैंने शुगर मुझे ना कम ही अच्छी लगती है कस्टर्ड में आ, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन पर्सनली तौर पे ना मुझे जो है आ, वैसे भी मीठा इतना पसंद नहीं है कस्टर्ड में तो यहाँ पर मैं अभी बना रही थी आ, कस्टर्ड आ, उसी दूध में से थोड़ा सा मैंने दूध निकाल लिया था और उसमें तकरीबन मैंने आ, फाइव टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड शामिल कर दिया था उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब मुझे यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी थी जिस तरह मैंने पीछे ग़लती की है कि या रेड जेली को अच्छे से मिक्स ही नहीं किया और उसके क्रिस्टल्स नीचे बैठ गए थे तो ये रिफान वालों का मेरे पास कस्टर्ड है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है बहुत पसंद है मुझे क्योंकि ये जब भी मैं बनाती हूँ ना तो जल्दी से फ़ौर से थिक हो जाता है वरना आप किसी और ब्रांड का कस्टर्ड लेते हैं तो वो इतनी जल्दी थिक नहीं होता तो इसका ये है कि जैसे ही आप इसको दूध में डालते हैं ये फ़ौर से थिक होना शुरू हो जाता है दूध अच्छे से बॉयल हो चुका था अब इसमें मैंने कस्टर्ड को ऐड कर दिया था कस्टर्ड को शामिल करने के बाद इसको तकरीबन मैंने पाँच से छः मिनट पकाया था दूध अच्छे से पका हुआ था और कस्टर्ड थिक होना शुरू हो गया था तो थोड़ी देर बस मैंने इसको पकाने के बाद इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दी थी कस्टर्ड के पाउडर को मिक्स करते हुए ना बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए कोई भी लम्स वगैरह ना रहें अगर उसमें कुछ लम्स होंगे आप जब दूध में ऐड करेंगे कस्टर्ड को तो फिर उसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी फिर वो ना एक दफ़ा जब दूध में शामिल हो जाता है तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता पहले ही अगर आप उसको कर लें तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता कस्टर्ड मेरा रेडी हो चुका है इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी जिससे ही थोड़ा सा ठंडा होगा तो उसको मैं सर्विंग बाउल में डाल दूँगी कस्टर्ड को मैंने बस रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा किया था और उसके बाद मैंने फ़ौर से इसको सर्विंग बाउल में शामिल कर दिया था अगर मैं इसको कम्प्लीटली पतीली में ही ठंडा करती ना तो फिर मैं इसको सर्विंग बाउल में डालती तो फिर इसकी शेप अजीब सी आनी थी तो लिहाजा मैंने उसको इतना ठंडा किया था कि जो मेरा कांच का बाउल है वो इसमें डालूँ तो मतलब उस पर कोई ना क्रैक्स वगैरह ना आए तो जेली भी रेडी हो चुकी है कस्टर्ड को मैंने तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रखा था टाइम भी नहीं था मेरे पास ग्रीन वाली जेली बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है उसके बनस्पत जो कि रेड वाली जेली है वो इतनी अच्छी नहीं बनी लास्ट में थोड़े से बादाम लेकर मैंने जेली के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे इससे बहुत अच्छा लुक आ रहा था कस्टर्ड का और शुक्र अलहमदिल्ला एक डिश बन कर मेरी रेडी हुई थी मेरे पास बहुत कम टाइम था बहुत ज़्यादा कम टाइम था ना बस मुझे फ़ौर फ़ौर से अपने सारे काम ख़त्म करने थे रेड जेली ना बनने की ये वजह देख लें सारे इसके क्रिस्टल्स नीचे बैठे हुए हैं तो जेली ने क्या खाक बनना था बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके एक काम मेरा ख़त्म हुआ था आते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ यहाँ पर अभी मैं रेडी करने लगी थी बिरयानी आपको पता है कोई भी दावत हो और उसमें बिरयानी मिसिंग हो ये कैसे हो सकता है चिकन के ऊपर मैंने फाइव टेबल स्पून के करीब दही को डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइस भी ऐड कर दूँगी और आज मुझे बिरयानी बनानी थी बहुत जल्दी में और मैं ये सोच रही थी कोई ऐसा तरीका हो जिससे बिरयानी भी बहुत जल्दी में बन जाए और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब बिरयानी रेडी हो जो कि हमारे गेस्ट पसंद करें तो मुझे सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम था वो यही था कि गैस हमारी चली जाती है जैसे ही हमारी लाइट जाती है तो फ़ौरन से साथ में गैस भी हमारी बंद हो जाती है तो इसके लिए हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना था सब मिल मिला के ही कर रहे थे मुझे प्याज वग़ैरह काट के अम्मी ने दिया था सिस्टर ने दिया था साथ, साथ वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे और जब वीडियो शूट करनी होती है ना तो फिर जो काम एक घंटे का होता है वो दो घंटे में होता है तो अब गेस्ट भी आने वाले थे तो मुझे सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने थे तो क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं मेरी ये कोशिश होती है कि गेस्ट आने के से पहले पहले आ, मैं आधा घंटा एक घंटा काम सारा फिनिश कर लूँ उसके बाद जो गेस्ट आते हैं उनको भी टाइम दिया जाता है उनके साथ भी थोड़ा वक्त स्पेंड किया जाता है चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन जब ज़्यादा टाइम होता है तो फिर मैं चिकन को आधा घंटे से पौना घंटे तक मैरिनेट करके छोड़ती हूँ अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो शायद मैंने इसको दस मिनट तक ही मैरिनेट करके रखा था और दूसरी तरफ मैंने धनिया पुदीना हरी मिर्ची और लहसुन डाल के पीस लिया था और इसकी चटनी बनानी थी मुझे वरना मैं हमेशा ग्राइंडर में ही चटनी बनाती हूँ लेकिन हमारे घर वाले जो है ना वो ब्लेंडर में बनी हुई चटनी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते तो जिसके लिए मुझे हाथ से ही चटनी को पीसना पड़ रहा था यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया था प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है और मुझे ये क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा लग रहा था जिसके लिए थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें से निकाल लिया था मैंने सोचा था कि मैं कौरमा बना रही हूँ तो थोड़ा सा प्याज मैं कौरमा में ऐड कर दूँगी वैसे भी मुझे बिरयानी में बहुत ज़्यादा प्याज अच्छा नहीं लगता तो बस इसमें मैं एक हिसाब से ही प्याज रखती हूँ मैंने कभी भी कोई चीज़ जैसे मेजरमेंट करके लोग डालते हैं इतना ज़्यादा तो मैं बस हिसाब से कर लेती हूँ प्याज भी काट लेती हूँ या फिर जो भी करना होता है वो हिसाब से ही अंदाजे से करती हूँ तो मतलब कोई मेजरमेंट वग़ैरह इतनी स्पेशल नहीं होती मेरी आज मैंने जिस रेसिपी से बिरयानी को बनाया है आप इसको ज़रूर ट्राई करें बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह की बिरयानी बनती है और बहुत झटपट बनती है जब आपके पास टाइम कम हो तो इस मेथड को फ़ॉलो करते हुए बिरयानी बनाएं तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा कितनी जल्दी आपने ये कैसे बना ली तो माशाल्लाह से मेरा सारा काम मेहमानों के आने से पहले हो चुका था प्याज ब्राउन करने के बाद उसके ऊपर मैंने मेरीनेटेड चिकन को ऐड कर दिया था और साथ में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो होता है खड़े मसाले जिनको कहते हैं वो ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था वैसे जो मैंने बिरयानी मसाला इसमें शामिल किया है उसमें सारे स्पाइसेस वग़ैरह होते हैं लेकिन आ, अगर उसके अलावा भी थोड़े बहुत मसाले डाल दिए जाए ना तो बिरयानी का टेस्ट और भी अच्छा बन जाता है लास्ट में मैंने तीन से चार हरी मिर्चें डाल दी थी हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं खाए जाते और फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे तकरीबन चार टमाटर मैंने काट कर शामिल किए थे आ, कुछ लोग जो है बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं और कुछ लोग इतना ज़्यादा नहीं करते तो बस हमारी तरफ नॉर्मल ही रखा जाता है बिरयानी में मसाले को ना बहुत ज़्यादा रखती हूँ मैं और ना मैं बहुत ज़्यादा कम रखती हूँ दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था जिसमें मुझे चावल बॉईल करने हैं और बिरयानी के मसाले को तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक फ्राई किया था तो अच्छे से मेरी जो चिकन थी वो टेंडर हो चुकी थी मुझे जब भी ना कुछ अपने घर वालों के लिए बनाना होता है तो उसकी इतनी टेंशन नहीं होती लेकिन जब कोई बाहर से आ रहा हो ना तो उसके लिए थोड़ी टेंशन होती है कि जो भी बने प्रॉपर अच्छे तरीके से बने और उसके बाद टाइम पर होनी चाहिए हर चीज़ तो क्योंकि रोज़ रोज़ तो आपके घर में कोई नहीं आता जब कोई पहली दफ़ा ही आए तो वो कुछ इस तरह के इंप्रेशन देखे तो अच्छा नहीं लगेगा हम मेहमानों को ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई हमारी गेस्ट नहीं है भाई हमारे पास टाइम नहीं था तो बस जब किसी का दिल किया वो आ जाते हैं तो हमें अच्छे से हर चीज़ को रेडी करना चाहिए और इस्पेशली जो लेडीज़ हैं उनको तो मैनेज करना आना ही चाहिए ये सब कुछ तो यहाँ पर मेरी बिरयानी फ़ाइनल मराहल में है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बस मेरे पास लास्ट काम था वो था मुझे कौरमा रेडी करना था और नान वगैरह मैंने बाहर से ही मंगवाए थे आ, घर में जब भी कोई आता है तो हमारे घर में ना रोटियाँ वगैरह घर पर नहीं बनाई जाती हम लोग हमेशा बाहर से ही मंगवाते हैं उस सूरत में घर पर बनाई जाती हैं रोटियां जब कोई कहता है कि हम लोग ये मैदे वाले नान नहीं खाते तो उनके लिए फिर घर में बनाई जाती हैं तो यहाँ पर अभी मैं कौरमा रेडी करने लगी थी ये जो वीडियो क्लिप है ये मैंने आगे पीछे एडिट किया हैं अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि दूसरी साइड चावल बॉयल हो रहे हैं चावल जो बॉयल हो रहे थे ना उसी वक्त मैंने प्याज को भी ब्राउन होने के लिए रख दिया था क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी और जब मैंने एडिट किया था तो आपको बिरयानी पहले ही एडिट करके दिखा दी थी ताकि आपको समझ आए कि मसाला वगैरह रेडी करने के बाद मैंने उसके ऊपर बॉयल राइस वगैरह डाल दिए थे कौरमा बनाने के लिए भी मैंने एक बहुत ही आसान तरीका अपनाया था जो कि झटपट से रेडी हो बस प्याज को ब्राउन किया था और उसको मैंने दही में ऐड कर दिया था दही में ऐड करने के बाद मैंने उसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से पीस लिया था अगर आप पहले प्याज को जिससे अलग से निकाल के चूरा करते हैं तो वो फिर इतना अच्छा उसका टेस्ट नहीं आता और मुझे उस तरह वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमारी तरफ जब भी कौरमा बनता है तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं जब प्याज ब्राउन करते हैं उसको दही में शामिल करके अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जो भी कौरमा वग़ैरह बनाना होता है उसमें डाल देते हैं इससे बहुत अच्छा रिच सा एक इसका टेक्स्चर बन जाता है अगर आप इसमें बादाम डालेंगे खशास डालेंगे और चीज़ें डालेंगे तो उससे और भी इसका फ़्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा लेकिन फिलहाल जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए कौरमा बना रही थी दूसरी तरफ मैंने ऑयल में चिकन को डाल दिया था और चिकन को थोड़ा सा बस कलर चेंज होने तक मैं कुक करूँगी अभी मैंने इसको ओवर कुक नहीं करना बस इसका हल्का सा कलर पिंक से वाइट हो जाएगा तो फिर इसमें जो मैंने प्याज वाला मिक्सचर बनाया है वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी जैसे चिकन का कलर थोड़ा वाइट हुआ था तो मैंने इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर दिया इसको थोड़ा सा भून लेंगे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे अभी मैं बना रही थी शान वालों का मेरे पास कौरमा मसाला था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है बनाने में हमारे घर में जब भी बिरयानी मसाला आता है वो भी शान वालों का आता है और अगर कौरमा वगैरह बनाते हैं मतलब जितने भी हम लोग डिब्बे वाले या पैकेट वाले मसाले बाहर से मंगवाते हैं वो शान वाले ही मंगवाते हैं बहुत अच्छे होते हैं हाईली है हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अब मुझे सबका पता नहीं कि लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं लेकिन हम लोगों ने जब भी ना कुछ शान ब्रांड का मंगवाया है तो वो बहुत ही आउट क्लास होता है दही और प्याज ऐड करने के बाद मैंने उसको पाँच मिनट तक भून लिया था और अभी इसमें मैं थोड़ा सा और भी दही शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने इसमें और दही शामिल किया था तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त कौरमे का टेस्ट बनता है आपको इस तरह लगेगा कि आप लोग ये कौरमा बाज़ार से लेकर आएं इस तरीके से अगर आप बनाएंगे और साथ में मैंने पूरा पैकेट शान कौरमा मसाला शामिल कर दिया है बीस से पच्चीस मिनट में हमारा कौरमा हो चुका है रेडी और बिरयानी को भी अच्छे से दम आ चुका है दोनों चीज़ें गर्मा गर्म रेडी गर्म हैं बिरयानी पर मैं पहले पुदीना और धनिया वगैरह डालना भूल गई थी तो बस लास्ट में मैंने पुदीना डाला था धनिया आ, इतना अच्छा नहीं लगता तो वो मैंने स्किप कर दिया था तो जी अभी हमारे गेस्ट आ चुके थे तो हमारे हाँ ये रिवाज है जब भी गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले उनको पानी पेश किया जाता है पानी में या सिंपल पानी भी दे देते हैं और या कोल्ड ड्रिंक हो तो कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पहले ही मंगवा के रखी हुई थी तो सबसे पहले उनको कोल्ड ड्रिंक पेश की थी बस मेहमान दो ही लोग थे और बस अम्मी अबू के लिए दो गास में डाला हुआ था साथ में शुक्र अलमदिल्ला मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था और मेहमान उसके बाद ही आए थे मेहमान जो हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद कुछ टाइम के लिए बैठ गए थे गपशप लगाई थी और उसके बाद उन्होंने नमाज़ वगैरह अदा की थी जब तक वो लोग लो नमाज़ अदा कर रहे थे तो मैंने अपने पूरे किचन की सफ़ाई कर ली थी क्योंकि आपको पता है कि दावत बनाने के बाद किचन में कितना ज़्यादा मैस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा किचन गंदा हो रहा था तो सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया था मुझे टाइम मिल गया था मुझे पंद्रह से बीस मिनट लगे थे किचन को साफ़ करने में जब तक मेहमान जो हैं वो नमाज़ अदा कर चुके थे और जो मेरी बहनें उन्होंने खाना लगा दिया था और उसके बाद मैं ख़ुद चली गई थी जहर की नमाज़ पढ़ने के लिए साथ में हम लोगों ने ये सैलड और चटनी भी बनाई थी चटनी तो मैंने आपके सामने ही बनाई थी और सैलड मेरी सिस्टर ने बनाया था होपफुली आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा आज के ब्लॉग में मैंने आपको दो से तीन रेसिपियाँ झटपट बनाने वाली सिखाई हैं तो इनशाला जब मैं नेक्स्ट किसी की दावत करूँगी जिसमें ज़्यादा मेन्यू होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी तो ये जस्ट एक से डेढ़ घंटे में बनने वाली दावत थी वो आपके साथ सब शेयर किया है तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हुई मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़